वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाँ, तो मेरा नाम है चेल्सी। और मेरा नाम है केना। आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे ना। सो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं आलसी लड़की और मेहनती लड़की की कहानी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, हम आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाते हैं। हमें नहीं पता हम अच्छी बनाते हैं या नहीं, बट हम अपने दिल से अच्छी वीडियोस बनाते हैं। हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को 5 लाइक्स तो बनते हैं। प्लीज़ 5 लाइक्स ज़रूर कर देना। और चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है इसकी माँ और ये है इसकी अपनी बेटी जिसका नाम है रॉकी। हाँ, थोड़ा लड़कों वाला नाम है पर इसका नाम यही है। और इसकी जो सौतेली बेटी थी, तो ये है उसकी सौतेली बेटी जिससे वो बहुत काम कराती थी पर उसे कोई शिकायत ही नहीं होती थी। माँ, मैंने यहाँ की सफाई कर दी। क्या तुमने यहाँ की सफाई कर दी? देखती हूँ। है कितना गंदा हो रखा है, ये अच्छे से साफ करो। वो जो काम करती थी वो उसे दोबारा करवाती थी, चाहे वो पूरे घर की सफाई क्यों ना कर ले। और जो वो लड़की मांगती थी उसे वो देती थी। बेटा, ओ गिर गए। बेटा, लो तुम्हारे लिए कपड़े। हाँ, नए कपड़े। वाह, कितने अच्छे हैं। और ये, वाह, कितने सुंदर है। मोहम्मद, थैंक यू। मेरी प्यारी बच्ची। मम्मी, मुझे फूल चाहिए। क्या फूल? अरे अभी उस काम वाली को बुलाती हूँ ना। समझ गई ना? हाँ, उस काम वाली को बुलाते। अरे सौतेली बेटी। अरे मॉम, काम वाली बुलाओ। अरे सुन सौतेली बेटी। क्या हुआ माँ? आप मुझे अपने नाम से भी बुला सकते हो। अच्छा उसका छोड़। अच्छा तू ना जा जल्दी से मेरी अच्छी बेटी के लिए जाके फूल लेकर आ। ठीक है माँ जी। ये घूमती हुई चीज क्या है? यहाँ पर तो लड़का है। वाह, कितना सुंदर है। माँ इसे जरूर देखकर खुश होगी। अरे इस पे धूल जम रही है, थोड़ा साफ कर दूँ। अरे अरे, मैं हवा में उड़ रही हूँ। क्यों गिर गई पता नहीं, लेकिन ये लैंटर्न बड़ा सुंदर है। जरा मैं, अरे इसकी तो धूल अभी बची है। ये मैं कहाँ गई हूँ? ये जगह कैसी है? चलो आगे चलते हैं। अरे ये मैं कहाँ पे आ गई हूँ? चलो आगे चलते देखते हैं। अरे ये पेड़ कितना सुंदर है। ये क्रिस्टल कैसा है? अरे ये किसने चिल्लाया? मैंने। अरे किसने? मैंने। अरे इसने? तुमने चिल्लाया? हाँ मैंने चिल्लाया। हाँ तुम कैसे चिल्ला सकते हो भला? ये अलग दुनिया है, यहाँ पर पेड़ भी चिल्ला सकते हैं। अच्छा सुंदर लड़की, हाँ बोलिए, क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, प्लीज मेरे को जल्दी दे दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। ये लो मैं तुम्हारे लिए पानी ले आई हूँ। लो मैं तुम्हें दे देती हूँ पानी। धन्यवाद, तुमने मुझे पानी दिया। उम्मीद है कि तुम्हारा आगे का सफर बहुत अच्छा जाए। धन्यवाद। सुनो सुंदर लड़की। हाँ कौन बोला? मैं बोला, मैं। अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या तो मेरी एक टहनी, क्या तो मेरा एक फूल तोड़ दोगी? फूल? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा फूल जरूर तोड़ूंगी।
लेकिन अभी तो रात हो रखी है। अरे रात में मतलब होता है हम सो रहे होते हैं, लेकिन अभी हम सो नहीं रहे हैं। कृपया तुम मेरा पेड़ तो वो फूल तोड़ दो। ठीक है, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रही। ठीक है, मैं अपनी धारी नीचे कर लेता। ठीक है, मैं तोड़ लेती हूँ। अरे आपके तो पंखड़ियाँ निकल गई। अरे चलो एक और बार तोड़ लो। टूट गया और पंखड़ियाँ भी फैल गई हैं। शुक्रिया तुम्हारा, मेरा फूल कभी किसी ने नहीं तोड़ा था, आज तुमने तोड़ लिया, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया, तुम्हारा आगे का रास्ता अच्छा जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये कहने के लिए। अरे इतने अंधेरे में मैं कहाँ रुकूँगी, मेरे बालों का स्टाइल भी खराब हो गया। कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है इधर, मैं कहाँ आ गई हूँ इस लैंप से। अरे तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। कहीं तुम चुड़ैल तो नहीं हो? नहीं, मैं अच्छी हूँ। क्या तुम यहाँ अकेली हो? हाँ मैं यहाँ अकेली हूँ। तो मैं क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो आज के दिन? तुम्हारे साथ? हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर रहूँगी। तो चलो आओ। अरे ये आपका कितना सुंदर बेड है। इतना भी नहीं है। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? क्या करना है, आपने तो मेरी जान बचाई है। ठीक है, तो तुम ना डेली यहाँ पर ना कुछ फूल वगैरह रख देना डेली, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं रख दिया करूँगी। तो इसी तरह वो उसके बेड पर पत्तियाँ और पेटल्स बिछाया करती थी डेली। और एक दिन वो ऐसे पत्तियाँ बिछा रही थी और तभी वो, हे तुम सुनो, क्या हुआ? अब मुझे लगता है तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। जाने, घर जाने का वक्त? हाँ। अरे तुम्हारा ऊपर का वो कहाँ गया? हाँ मुझे वो मिल नहीं रहा। अच्छा उसे छोड़ो, चलो हम तुम्हारे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाती हूँ। हाँ चलो चलो तुम दोबारा इसे ज़रा घिसो। क्या, मुझे ये दोबारा घिसना है? हाँ घिसो। वो क्या चीज आई है मेरे पास ये? अरे कहाँ जा रहा है, रुक। अरे ठीक है, सोने की बॉल। जल्दी से मुझे मेरी माँ के पास जाना चाहिए, वो कितनी खुश होगी। माँ माँ देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या लाई हो तुम? सोने का बॉल। क्या, सोने का बॉल? दिखाओ दिखाओ, ये देखो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ अब तुम अपने कमरे में। लेकिन माँ ये तो मैंने ढूंढा है। तो माँ मैं तुम्हारी हूँ तुम्हें। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में, सोने का लटर? तो मुझे तुम, ये तुम्हारे लिए नहीं है ये। माँ लेकिन ये तो मेरा है, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। क्या, मैं इसकी रखवाली हूँ। क्या रखवाली? क्या रखवाली? हाँ रखवाली। तुम्हें इसके साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। भले ही इसके पिताजी गुजर गए हैं, लेकिन तुम्हें इसके साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगर तुमने कभी इसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। हमें माफ़ कर दो सुंदर परी, माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सुंदर परी, मुझे लगता है कि तुम ही मेरी असली माँ हो। और ऐसे ही वो सुखी सुखी रहने लगे। टिंग टोंग। क्या बोल रही है तू? जानती है टिकटॉक बंद हो गया है भैया। देखो जो भी यहाँ के मतलब सुपरस्टार्स थे उनके लिए बहुत बुरी बात है।
सही बोला, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आउच, बाय बाय। सो गाइस, हैप्पी एंडिंग। रुको रुको रुको, हमारे बिना एंडिंग अधूरी थी इसलिए हम सब आ गए। और हम बोला, सब आपसे कहने वाली हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो बाय।